अपना अपना yes, good evening. हाँ आप लोग भी आ जाइए जिससे कि हम जल्दी से क्लास स्टार्ट करें गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग दीक्षा गुड इवनिंग सीमा गुड इवनिंग जल्दी से आइए सब लोग तो आइए आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में लाइट जो फिज़िक्स का टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्ज़ाम में ठीक एस एस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है मानसी जी गुड इवनिंग विकास जी गुड इवनिंग तो आइए स्टार्ट करते हैं लाइट के बारे में लाइट के बारे में कि हम देखते हैं कि लाइट क्या होता है देखिए सबसे पहले देखते हैं लाइट क्या होता है लाइट वो चीज़ है लाइट वो एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं ठीक अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी चीज को देख नहीं पाएंगे जो लाइट की स्पीड होती है वो इतनी तेज होती है कि इससे ज्यादा तेज कोई भी चीज चल नहीं सकती ठीक और ये स्पीड जो होती है लाइट की स्पीड कितनी होती है थ्री मिलियन मीटर पर सेकेंड कहें कि थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर में बोलेंगे तो तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है लाइट की स्पीड ठीक और थ्योरी के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि कोई भी पार्टिकल इस, इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड से गति नहीं कर सकता है नहीं चल सकता है तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये इसके जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो करके गति की जो दिशा होती है जैसे अगर लाइट सपोज मान लीजिए कि लाइट जो है हम एक पेन ले लेते हैं जैसे अगर लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है सपोज़ तो जो इनके मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होंगे वो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे होंगे आगे की डायरेक्शन में यानी कि अगर हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऐसे ऐसे चल बढ़ रहा है आगे इस दिशा में तो जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा वो इसके जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन में आगे बढ़ रहा होगा ठीक तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वर्टिकल है इसकी डायरेक्शन ये है और इसका जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में है ठीक तो इस तरह से तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते है, तो हैं ठीक तो आइए देखते हैं तो अगर हम लाइट के उसके हिसाब से देखा जाए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें खुद की अपनी लाइट होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है ठीक तो जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है उनको हम क्या बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं और जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है उनको हम नॉन ल्यूमिनस वस्तुएं कहते हैं ठीक जैसे कि मून है अर्थ है ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं और सूर्य मोमबत्ती बिजली का प्रकाश ये सब क्या है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं दीप्त वस्तुएं हैं ठीक है आइए नेक्स्ट अब इसी तरह से अगर जो प्रकाश होता है वो प्रकाश कुछ चीजों के आर पार चला जाता है कुछ चीज़ों से कुछ हिस्सा ही उसका आर पार जा पाता है और कुछ चीज़ों से बिल्कुल पार नहीं जा पाता है तो इस आधार पर देखें कि प्रकाश के जो भेदने की क्षमता है उसके आधार पर देखें तो प्रका ये वस्तुएँ तीन तरह की होती हैं एक तो होता है ट्रांसपेरेंट दूसरा होता है सेमी ट्रांसल्यूसेंट जिसको बोलते हैं और तीसरी होती है ओपेक यानी कि ट्रांसपेरेंट इसको पारदर्शी कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है अर्ध पारदर्शी यानी कि प्रकाश का कुछ हिस्सा उससे निकल पाता है और अपारदर्शी यानी ओपेक जो ऑब्जेक्ट होती हैं, उनसे लाइट पार नहीं हो सकती है ठीक है अब आइए देखते हैं कि जो सबसे पहले जो जो फीचर है इसका रिफ्लेक्शन किस तरह के सरफेस पर होगा कि जिससे लाइट जहां पर एब्जॉर्व नहीं होती है उसी तरह के सरफेस से लाइट का क्या हो जाता है रिफ्लेक्शन हो जाता है ठीक तो लाइट रिफ्लेक्शन uh, में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन कितनी आप लोग ने देखा होगा कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है रिफ्लेक्शन बेसिकली हम चीज़ों को रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पाते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट से लाइट पहले जैसे अगर जो भी चीज़ें जैसे हम लोग क्या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो अगर हमें किसी चीज़ को देखना है तो उस पर क्या डालेंगे लाइट डालेंगे जब लाइट उस पर पड़ेगी तो उससे जब टकरा करके हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट होकर के परावर्तित होकर के जब हमारी आंखों पर आएगी तभी हम उस चीज़ को देख पाएंगे ठीक तो बेसिकली जो परावर्तन की घटना है रिफ्लेक्शन की, की जो इवेंट है इसी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं ठीक तो रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है कि जो जिस एंगल पर लाइट इंसिडेंट होती है जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेन है कोई तल ऐसा है जिससे जिस तल पर लाइट पड़ रही है किसी रिफ्लेक्टिव जैसे कोई मिरर है उस पर पड़ रही है तो उस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक लंब खींचें तो उस लंब से जो इंसिडेंट रे यानी कि जो आने वाली जो रे है उसके बीच का जो कोण है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण कहलाता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन बरावर परावर्तन कोण बराबर होने के कारण ही अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पूरा देखना चाहें तो क्या होना चाहिए उसकी मिरर की हाइट मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए एनी बताइए शिवम जी मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए अगर हम हमें आपको पूरी इमेज देखनी है किसी मिरर में तो मिरर की हाइट इमेज की हाइट में क्या रिलेशन होता है गुड इवनिंग श्रवण जी श्रवण कुमार गुड इवनिंग देखिए क्या होता है कि क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है तो आपतन कोण अगर वस्तु के ऊंचाई के आधे के हिस्से से पड़े तो परावर्तन का बाकी आधा हिस्सा में दिख जाएगा ठीक तो क्योंकि जो परावर्तन का जो पहला नियम वो क्या कहता है कि इंसिडेंस का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल बराबर होता है इसलिए जो किसी भी वस्तु की अगर पूरी इमेज हमें देखनी है दर्पण में तो दर्पण की ऊंचाई उस वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए मिनिमम तो हम उस वस्तु की पूरी इमेज देख सकते हैं ठीक और दूसरा नियम क्या होता है कि जो आपतन बिंदु पर यानी कि जहाँ पे प्रकाश की किरण पड़ रही होती है किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पर उसमें आपाती किरण और जो लम्ब है और परावर्तित किरण ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होनी चाहिए ठीक है अगला पॉइंट है कि चूंकि जो मिरर का जो कॉम्बिनेशन है उससे कई सारी इमेजेस बनती हैं जैसा कि आप देखते हैं कि अगर एक दो मिरर को हम सामने आमने सामने रख दें तो उससे क्या होगा कि उसके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे वो हमें कई बार बार दिखाई देगी ठीक तो इसलिए जो मिरर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं शोरूम वगैरह में करते हैं जिससे कि वहाँ पे भरा हुआ दिखाई दे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे कम चीज़ों रखने को रखने के बाद ठीक और क्योंकि ये जो मिरर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को इसलिए सोलर कुकर में रिफ्लेक्टर के रूप में भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है प्लेन मिरर और भी जगह कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है पेरिस्कोप में पेरिस्कोप जानते हैं क्या होता है फिर इसको पंडुब्बी के अंदर जो पानी के अंदर जो चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है इसमें दो मिरर पैरेलल रखे जाते हैं तो जो ऊपर वाला जो पैरेलल मिरर होता है उसके सामने एक छेद होता है जिससे कि लाइट पानी के अंदर की लाइट उस मिरर पे टकराती है फिर उस मिरर की लाइट जो है जैसे कि अगर हम उसको देखना चाहें तो हम उसकी इमेज ऐसे बना सकते हैं कि एक मिरर ऐसे होता है दूसरा मिरर ऐसे होता है और यहाँ पर एक होल होता है ठीक तो ये जैसे ये पनडुब्बी के अंदर है ये चीज़ ये मिरर है और नीचे एक दूसरा मिरर है और यहाँ पे से देखा जा रहा है ठीक है तो क्या होता है जब यहाँ से पहले पानी के अंदर से लाइट इस पर आती है इस मिरर से टकराती है फिर इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के इस पर आती है और यहाँ से जब इस पर जाती है टकरा करके वापस तो हम यहाँ से इस चीज़ को देख पाते हैं ठीक तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं पेरीस्कोप ये पेरीस्कोप कहाँ पर पे यूज़ किया जाता है पनडुब्बी के अंदर ठीक तो सिंपल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है एक तो यूज हो गया आपका शोरूम वगैरह में सोलर कुकर में रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है और पेरी बनाने में किया जाता है और कहाँ किया जाता है देखिए ये पूरी छवि देखने के लिए आवश्यक दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए उस वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं समतल दर्पण द्वारा जो इमेज बनती है उसकी क्या फीचर्स होते हैं क्या विशेषताएं होती हैं जो समतल दर्पण के द्वारा जो इमेज बनता है सबसे पहला पॉइंट बताइए कि समतल दर्पण से रियल इमेज बनती है कि वर्चुअल इमेज बनती है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या आभासी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है देखिए जो समतल दर्पण द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसी होती है वर्चुअल इमेज होती है क्योंकि हम इसको किसी स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं हमको लगता तो है कि पीछे इमेज है बट वास्तव में वहाँ पे कोई चीज़ होती नहीं है ठीक इसलिए जो इमेज बनती वो हो कैसी होती है वर्चुअल इमेज होती है और कैसी होती है सीधी होती है यानी कि जिस तरह से इमेज होती है अपराइट पोजिशन में उसी तरह से अपराइट पोजिशन में उसकी इमेज भी मिलती है और क्या होता है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है यानी कि लेफ्ट की चीज़ राइट में दिखाई देती है और राइट की चीज़ लेफ्ट में दिखाई देती है लेकिन वर्टिकली इन्वर्टेड नहीं होता वर्टिकली अपराइट होता है और लेकिन लेटरली यानी कि उसका पार्स यानी कि उसका साइड जो बदल जाता है लेफ्ट की चीज़ राइट में आ जाती है राइट की चीज़ लेफ्ट में आ जाती है और क्या होता है ये उसी आकार की होती है जिस आकार की वो वस्तु होती है ठीक और क्या होता है कि जो दर्पण के पीछे की जो दूरी दिखती है और इमेज के बीच में वो दूरी भी उतनी ही होती है जितने की वस्तु की दर्पण से दूरी होती है ठीक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं प्रकाश का जैसे आपने देखा परावर्तन तो परावर्तन का हम लोगों ने अभी नियम देखा कि परावर्तन का नियम क्या होता है कि जो भी प्लेन होता है उस प्लेन पे इंसिडेंट राइट लाइट और रिफ्लेक्टेड जो राइट लाइट है और इसका जो परपेंडिकुलर है ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं और एंगल ऑफ़ इंसिडेंस और एंगल ऑफ़ रिफ़्लेक्शन बराबर होते हैं दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जब हम दो मिरर को कंबाइन करके रखते हैं तो कितनी इमेजेस बनती हैं उनके एंगल के आधार पर ठीक तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि इमेजेस कैसे बनेंगी कितनी बनेगी ये देखिए दो एम दो मिरर रखे हुए हैं आपके सामने दो मिरर के बीच का जो एंगल है वो कितना है थीटा तो इस थीटा इस कोण के आधार पर आप देखेंगे कि कितने इमेज इसके दो इमेज दो मिरर को आमने सामने रखने पर बनेंगी ठीक वो कोण के हिसाब से वेरी करेगा कोण जितना ही ज़्यादा होगा उसमें जो मिरर जो नंबर ऑफ़ इमेजेस बनेंगी वो उतनी ही कम बनेंगी और कोण जितना ही कम होगा वो नंबर ऑफ़ इमेजेस उतनी ही ज़्यादा बनेगी यानी कि अगर दो मिरर के बीच का एंगल जीरो हो जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ इमेजेस बनेंगी यानी कि दो दर्पण को अगर हम आमने सामने रख दें और उसके बीच में कोई वस्तु रखें तो कितनी इमेज बनेगी इन तो इसको पता करने का क्या फार्मूला होता है क्या तरीका होता है ये देखते हैं ठीक ये देखिए इसका फार्मूला क्या होता है कि अगर थ्री सिक्सटी को हम थीटा से डिवाइड कर दें थीटा यहाँ पे क्या है कि ये जो दोनों मिरर रखे हुए हैं उनके बीच का कोण थीटा है ठीक थीटा से अगर हम 360 को डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू या तो इवन होएगी या क्या होगी ऑड होगी ठीक तो आप देख रहे हैं इस टेबल में कि इवेन हो या ऑड हो सिर्फ केवल एक ही केस में ऐसा होता है कि जब नंबर ऑफ इमेज क्या होगा 360 सिक्सटी बाई थीटा होगा अदरवाइज क्या होगा कि 360 सिक्सटी बाई थीटा की जो वैल्यू वैल्यू आएगी उसमें से हम क्या करेंगे एक कम कर देंगे जैसे कि मान लीजिए कि अगर 60 डिग्री जैसे एग्जाम्पल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसमें कितना डिग्री का एंगल है 60 डिग्री का एंगल है तो 60 से जब 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा तो 6 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा 5 यानी कि अगर दो मिरर के एंगल का बीच का जो एंगल है वो अगर सिक्सटी डिग्री होगा तो कितनी इमेज बनेगी फाइव इसी तरह से एंगल अगर हम घटाते जाएंगे तो क्योंकि थीटा को कम कम करेंगे जब तो 360 को भाग देंगे जब कम वैल्यू से तो ज़्यादा वैल्यू आएगी तो इसी तरह हम देख रहे हैं इस रिलेशन से कि अगर हम थीटा की वैल्यू घटाते जाएंगे तो क्या होगा नंबर ऑफ जो इमेज है वो बढ़ती जाएंगी और जब ज़ीरो कर देंगे तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएंगी ठीक और जब 360 कर देंगे यानी कि जब मिरर को फ्लैट कर देंगे ऐसे रख देंगे अगल बगल रख देंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनेगी ठीक ये फार्मूला आप लोग नोट कर सकते हैं एक अगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 360 सिक्सटी बाई थीटा का मान जो है विषम है और जो वस्तु उन दोनों मिरर के बीच में ना रखे किसी और पोजीशन पे रखी हुई है तो नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे 360 सिक्सटी बाई थीटा ठीक लेकिन अगर बीच में रखी हुई है तो 360 सिक्सटी बाई थीटा माइनस क्या होगा वन ठीक है आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब अगले टाइप का जो मिरर होता है देखिए अभी हमने देखा वो प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस कर रहे थे ठीक अब हम आते हैं कौन मिरर जो दूसरा जो कर्व्ड मिरर ठीक वक्र जो यानी कि जो जिसका सरफेस सीधा नहीं होता प्लेन नहीं होता है तो इस तरह का जो दर्पण होता है वो दो तरीके का हो सकता है या तो उत्तल दर्पण होगा या अवतल दर्पण होगा ठीक ये उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण देख रहे हैं आप कैसे बना हुआ है उत्तल दर्पण इसमें कि केस में आप देखिए एक में क्या है कि जो कांच का एक गोला है उसको हमने काट दिया है एक साइड से काट दिया है एक में हम क्या करते हैं अंदर से कलई करते हैं और दूसरे में बाहर से कलई करते हैं तो ये जो कटा हुआ गोला यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड में है तो इसमें हमने बाहर से कलई कर दी है यानी कि अंदर का सरफेस क्या है रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्ट करने वाला है तो इस तरह का जो दर्पण क्या कहलाएगा वो अवतल दर्पण कहलाएगा राइट right साइड में जो मिरर है दाहिनी तरफ जो मिरर है उसको हमने अंदर से कलई कर दिया है तो जो बाहर वाला सरफेस है वो रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस होगा और यह दर्पण क्या कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा उत्तल दर्पण कहलाएगा ठीक जिसका सरफेस उभरा हुआ है उत्तल का मतलब उभरा हुआ अवतल का मतलब गहरा ठीक तो यहाँ पे देखिए उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में बाकी चीज़ें अगर हम देखें तो ये जो दर्पण है वो जिस गोले का भाग होता है जैसे हम इस अगर दर्पण के चीज़ों को हम इसको अगर हम एक्सटेंड करें ठीक ये देखिए जैसे अगर हम इस पूरे गोले को बढ़ाएं या इस गोले को हम इधर ऐसे बढ़ा दें ठीक तो एक पूरा सर्कल बन रहा हो इसका सर्कल का सेंटर कहाँ बनेगा ये यहाँ पे जो आपको सी देख रहे हैं ये वाला या इस तरफ यहाँ पे सी बनेगा ये सेंटर होगा ठीक तो इस सेंटर को क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र कहाँ जाता है इस दर्पण का इसे दर्पण का इसी तरह से इस दर्पण वक्रता इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा उत्तल दर्पण का इसके पीछे होगा और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होगा दर्पण के सामने होगा ठीक और इस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे अगर हम एक लाइन खींचे इसके तरफ बीचों बीच तो ये जहाँ पे दर्पण से मिलेगा यहाँ पर इस लाइन इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिप आ, पोल कहते हैं बेसिकली ध्रुव कहते हैं हिंदी में ठीक है और सेंटर और पोल के बीच का जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा फोकस कहलाएगा ठीक तो ये सारे इसके फीचर्स हैं जैसा कि आपने देखा कि परावर्तन क्योंकि दर्पण है इसलिए इससे भी परावर्तन ही होगा तो बेसिकली दर्पण से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में हर्षित जी आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं अननेसेसरी फोकस कीजिए यहाँ पे ठीक हाइपर मेट्रोपिया आप डिस्कस कर रहे हैं भी वो भी आएगा सारी चीज़ें हैं इसमें टाइम पास आप मत करिए प्लीज़ ठीक है तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो दर्पण से रिलेटेड बेसिकली जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके एप्लीकेशन साइंस में या कोई भी चीज ठीक जब भी आप लोग देखते हैं कि साइंस या इस तरह की स्टडी जब हम लोग करेंगे जो तो उसमें उस किसी भी सब्जेक्ट के इस तरह का डेप्थ नहीं पूछा जाता उसमें क्या पूछा जाता है उसका हमारे डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है तो जब भी आप इस चीज़ की स्टडी करेंगे तो हमेशा ये फोकस करेंगे कि वो हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल हो रही वो हम साइंस को उस डेली लाइफ में कहाँ पे यूज कर रहे हैं हमेशा इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक तो जो कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है इन सब का हम डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं ठीक तो बेसिकली यूज से ही क्वेश्चन आएगा यूज ही देख लेते हैं हम लोग ठीक तो एक तो होता है कि मसालों में सर्च लाइट में वाहनों की हेडलाइट में ये क्या होता है क्योंकि जो कनकेव मिरर होता है जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है लाइट को एक फोकस करके रिफ्लेक्ट करके ये सेंट्रल करके लौटाता है तो इस हिस्से की चीज़ों को हम अच्छी तरह से देख पाएंगे ठीक तो लाइट एज ए रिफ्लेक्टर के रूप में भी यूज किया जाता है सर्च लाइट में वाहनों की हेडलाइट में जिससे कि लाइट को फोकस करके एक जगह पे थ्रो किया जा सके से की चीजों को हम अच्छी तरह से देख पाए ठीक तो एक तो गया, हो गया हेडलाइट वगैरह में सर्च लाइट में इसका यूज होता है दूसरा यूज कहाँ होता है शेविंग मिरर के रूप में यूज होता है ये शेविंग मिरर के रूप में क्यों यूज करते हैं इसको क्योंकि अच्छे से देखा जा सकता है फोकस करके देखा जा सकता है चीजों को ठीक डेंटिस्ट भी इसीलिए इस चीज़ का यूज कर सकते हैं क्योंकि वो उस चीज़ को एनलार्ज करके दिखाता है बड़ा करके कर दिखाता है तो डेंटिस्ट दांत को देखने के लिए जब आप के मुंह में जब अपना वो इंस्ट्रूमेंट डालते हैं उसमें एक छोटा सा जो मिरर लगा होता है वो कन के मिरर ही होता है और अगर आप देखेंगे बड़े आकार का जो अवतल दर्पण है उसका सोलर जो फर्नेस होती है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है इसमें भी लाइट को एक पर्टिकुलर स्थान पर फोकस करने के लिए हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ठीक कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं कि गाड़ी के जो रियर मिरर जो लगे होते हैं व्हीकल में आपके गाड़ियों में वहां पर हम रियर व्यू मिरर के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं ठीक तो अधिकतर ज़्यादातर यूज किसके हैं कनकेव मिरर के कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है नेक्स्ट आइए रिफ्रैक्शन प्रकाश का अपवर्तन इसके बारे में देखते हैं अपवर्तन क्या होता है देखिए अपवर्तन में क्या होता है कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है तो डिपेंडिंग अपॉन की जो जिस माध्यम में प्रवेश कर रही है वो माध्यम पहले माध्यम की तुलना में सघन है या विरल है अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने लंब की तरफ झुक जाती है और अगर सघन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है तो अब वो अपने लंब से क्या होती है दूर हट जाती है तो इस तरह से जो लाइट का जो मार्ग जो बदलता है इस घटना को हम क्या बोलते हैं रिफ्रेक्शन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं ठीक है अपवर्तनांक क्या होता है अपवर्तनांक इसी चीज को इंडिकेट करता है कि वो जो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जब लाइट जाएगी तो वो उसकी तरफ झुकेगी माध्यम के लम्ब की तरफ झुकेगी कि माध्यम के लम्ब से दूर हटेगी यही ये यह चीज़ क्या बताता है अपवर्तनांक ठीक तो जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या बदलता है केवल वेग बदलता है ध्यान रखिएगा ठीक इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो जब वेग अगर हमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो हमेशा किसी माध्यम के सापेक्ष ही निकाला जाएगा तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष अगर हमें निकालना हो तो पहले माध्यम में प्रकाश के वेग का जो भी वेग है उसको हम क्या करेंगे जो दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग से विभाजित कर देंगे जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक सपोज इस तरह का कोई वो है नीचे पानी है यहाँ पे पानी है और ऊपर एयर है ये एयर है ये वाटर है तो अगर लाइट तो क्योंकि वो एयर क्या है रेयर मीडियम है और वाटर क्या है डेंस मीडियम है तो जब लाइट एक इंसिडेंट लाइट है यहाँ से आ रही है तो जब पानी में जुड़ेगी तो ये सीधे ना जा करके इस तरह से ना जा करके के क्या होगी लम्ब की ओर झुक जाएगी ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो और साथ ही साथ क्या होगा कि जो एयर में जो प्रकाश का वेग है और जो पानी में प्रकाश का वेग है उसमें क्या होगा डिफरेंस होगा ठीक तो इस अगर हमें यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जो एयर में लाइट की स्पीड है डिवाइडेड बाई पानी में जो स्पीड है तो उससे अगर हम ये रेशियो जो निकालेंगे उससे क्या हो जाए निकल के आएगा इस पानी का अपवर्तनांक निकल के आ जाएगा ठीक अपवर्तनांक से क्या पता चलता है कि लाइट जब उस मीडियम में जाएगी तो कितना मुड़ेगी ठीक है। लेंस इसी तरह से देखेंगे तो लेंस क्या करता है लेंस भी यही काम करता है चीजों को अपवर्तित कर जो प्रकाश की जो किरण होती है उसका डायरेक्शन क्या करता है मोड़ देता है जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस से होकर के गुजरती है तो या तो वो एक जगह पे कन्वर्ज हो जाती है या आगे जाकर के डाइवर्ज हो जाती है अगर वो कन्वर्ज कर रहा होता लेंस तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस होता है और दूसरा क्या होता है कन्केव लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस में आप देख रहे हैं कि क्या होता है इसमें सारी की सारी जो लाइट एक पर्टिकुलर जो इसका फोकस होता है वहाँ पे मिलती है जा करके जबकि कौन केव लेंस में क्या होता है कि लाइट एक जगह पे मिलती हुई लगती है बट फाइनली ये क्या हो रही होती है डाइवर्ज हो रही होती है एक दूसरे से लाइट रेज दूर जा रही होती हैं ठीक नेक्स्ट लेंस की अगर पावर को फाइंड करना हो तो क्या करने का इसका फार्मूला क्या होता है लेंस का पावर निकालने का लेंस की पावर ज्ञात करनी हो तो वन अपॉन फोकल लेंथ कर देंगे मीटर में डिवाइड कर देंगे तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो लेंस की पावर निकल के आएगी और इसकी यूनिट क्या होती है डायोप्टर ठीक अब देखिए इससे रिलेटेड जो दूसरा एप्लीकेशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक जो बेसिकली ये भी किससे रिलेटेड है रिफ्रैक्शन से ठीक इसमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिटिकल एंगल ठीक तो हर माध्यम के लिए एक क्रिटिकल एंगल होता है कि अगर लाइट उस माध्यम में किसी पर्टिकुलर उस क्रिटिकल एंगल या उससे ज़्यादा एंगल पर जब पड़ती है तो लाइट रिफ्रैक्ट ना होकर के उसी माध्यम में लौट जाती है इसी घटना को हम क्या बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे जैसे देखिए कि एक कोई जैसे आपके पास कोई डायमंड आपने सुना होगा डायमंड के बारे में हीरे के बारे में तो हीरे का जो जब हीरे को तराशा जाता है तो एंगल इस तरह से बनता है कि जब लाइट उसके अंदर प्रवेश करती है जैसे लाइट ये हीरा है सपोज हीरे का सर पे है ठीक तो लाइट जब भी उस पर पड़ेगी तो हमेशा वो क्रिटिकल एंगल पे या क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर पड़ेगी इसके अंदर जब पहुंच जाएगी ठीक तो जब जैसे ये इसके अंदर पहुंचती है तो इसका एंगल कैसे बन जाएगा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा ठीक तो क्रिटिकल एंगल पे जब ये टकराएगी तो इसके अंदर फिर दूसरे सरफेस पे टकराएगी इस तरह से करके और फिर क्या होगी ये रिफ़्लेक्ट होती रहेगी इसी हीरे के अंदर ये क्योंकि ये जो एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके वजह से बनता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे टकराती है तो जब भी वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे टकराएगी तो क्या होगा उसी माध्यम में लौट जाएगी और इसी को क्या कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही जो आप हीरे देखते हैं कि हीरा इतनी अच्छी तरह से टिमटिमाता है चमकता है उसको इस तरह से तराशा जाता है कि उस पर उसके अंदर जो भी लाइट प्रवेश करती है वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाती है और वो इतने अच्छे से चमकता हुआ दिखाई देता है ठीक तो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से और क्या क्या घटनाएं है होती हैं देखिए जैसे आप हीरा जो चमकता है जो मरीचिका होती मरीच का है मरीचिका जानते हैं रेगिस्तान में मरीचिका किस घटना के कारण होती है इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है लेकिन क्यों इसमें और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ठीक इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे तो जो मिरेज कैसे बनता है ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ऑप्टिकल फाइबर आप देखते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर में भी क्या होता है कि एक नली होती है बेसिकली एक पाइप होता है एक पाइप होता है ऑप्टिकल फाइबर में तो ऑप्टिकल फाइबर जैसे ये सपोज़ ये नली है ठीक तो क्या होता है कि लाइट इस तरह से इसके अंदर इस एंगल पे प्रवेश करती है कि इसके हमेशा उसका जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल ही बना रहता है और वो उसी पाइप के अंदर ही ट्रेवल करती रहती है तो इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ आप आजकल आप देख रहे हैं कहाँ पर हो रहा है फाइव टेक्नोलॉजी में आपका जो वे एनर्जी वेव को ट्रांसमिट करने के लिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं इंटरनेट वगैरह के लिए एंडोस्कोपी में भी आपने देखा होगा कि एक एंडोस्कोप होता है जिसमें क्या करते हैं कि एक नली होती है जिसे डॉक्टर क्या करता है आपके पेट के अंदर मतलब मुंह के थ्रू पेट के अंदर डालता है तो उसमें क्या होता है कि जब जो, जो और एक टॉर्च जलाता है जब टॉर्च जलाता है तो क्या होता है कि वो टॉर्च की जो लाइट है वो उससे बाहर नहीं निकल पाती वो सीधा कहाँ जाती है पेट से रिफ्लेक्ट होकर के फिर वापस आती है तो वो डॉक्टर इस एंडोस्कोप की सहायता से आपके पेट के अंदर देख सकता है ठीक तो इस तरह से जो एंडोस्कोपी है ऑप्टिकल फाइबर है मरीचिका की घटना है हीरे का चमकना है ये सभी किसके कारण होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं है। ठीक है सर आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट ठीक डिस्पर्सन क्या होता है किसी को एनी बडी अंकित जी बताइए अंकित ब्राह्मण जी बताइए क्या होता है लाइट uh, का डिस्पर्सन कैसे होता है क्या होता है डिस्पर्सन में देखिए क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा प्रिज्म या इंद्रधनुष आपने देखा होगा तो बेसिकली क्या होता है कि जब या गिलास में जब हम पानी रखते हैं अगर कांच के गिलास में पानी रखा हो उसके और वहाँ से जब लाइट जब पड़ती है उससे गुजरने के बाद सरफेस पर तो क्या होता है कि एक विभिग्योर पैटर्न में एक लाइट का एक पैटर्न बन जाता है सरफेस पर जिसको हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम ठीक है तो इस तरह से जब प्रकाश किसी इस तरह के डेंस जब सफ़ेद प्रकाश जो है वो अपने घटक रंगों में टूट जाता है किसी माध्यम से गुजरने के बाद तो इसी घटना को हम डिस्पर्सन कहते हैं ठीक है ठीक आइए देखते हैं डिस्पर्सन के बारे में अब देखिए जैसे ये क्या है जैसे एक प्रिज्म आप देख रहे हैं कि प्रिज्म के जब हम व्हाइट लाइट डाल रहे हैं तो ये फाइनली क्या हो रहा है कि अपने अलग अलग रंगों में टूट जा रहा है ठीक अब ये ऊपर सबसे ऊपर रेड आएगा फिर ऑरेंज आएगा येलो आएगा ग्रीन आएगा ब्लू आएगा इंडिगो आएगा वायलेट सबसे आखिरी में आएगा ऐसा क्यों है ये इसी पैट लाइट इसी पैटर्न में क्यों ब्रेक होती है देखिए क्या होता है क्या जैसा कि आप जानते हैं कि रेड का वेवलेंथ क्या होता है सबसे ज्यादा वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम एनर्जी वायलेट की सबसे ज्यादा ठीक तो जो सबसे कम डिफ्लेक्शन जो होता है वो किसमें होगा जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा अभी आगे हम देखेंगे कि लेंस के नियम के हिसाब से जो लाल रंग है वो सबसे कम विच्छेपित होता है और जो नीला रंग है वो सबसे ज़्यादा विच्छेपित होता है तो इस तरह से अपने तरंग दर्द के हिसाब से ये प्रकाश जो है क्या होता है टूट जाता है तो इसलिए इसमें लाल रंग आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है वायलेट रंग सबसे नीचे दिखाई देता है ठीक बेसिकली जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि जो प्रकाश है वो किस तरह की वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विद्युत चुंबकीय तरंग है ठीक तो विद्युत चुंबकीय तरंग की बेसिकली क्या होता है कि जो सन से जो लाइट जो रेडिएशन निकलता है जो विकिरण निकलता है उसका बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा जो हम दृश्य प्रकाश के रूप में पाते हैं बाकी जो हिस्सा होता है वो दृश्य नहीं होता है ठीक तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे केवल ये इस स्पेक्ट्रम का केवल इतना ही हिस्सा विजिबल लाइट का है बाकी का हिस्सा क्या है वो विजिबल नहीं होता वो इनविजिबल होता है जैसे साउंड के केस में भी आपने देखा होगा कि एक सर्टेन रेंज में भी हम सर्टेन रेंज के अंदर ही हम सुन पाते हैं उसके बाहर या उसके भीतर हम लोग सुन नहीं पाते हैं ठीक तो इसी तरह से ये जो लाइट का भी ये जो रेंज है आपका आप देख रहे हैं 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है यही वेवलेंथ हम लोग देख पाते हैं इससे ज़्यादा का वेवलेंथ नहीं देख पाते हैं ठीक अब ये जो लाइट आप देख रहे हैं इसका एक ये जो स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं इसका एक सीक्वेंस है एनर्जी का ठीक कि जो सब नीचे से जो ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो वेब बढ़ रही है यानी कि नीचे से ऊपर ऊपर जब हम जाएंगे तो क्या बढ़ रहा है इसका वेव बढ़ रहा है लेमडा क्या हो रहा है बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी क्या होगी फ्रीक्वेंसी क्या होगी कम होगी घटेगी डिक्रीज होएगी जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे यानी कि फ्रीक्वेंसी उल्टे ऑर्डर में आएगी ठीक और इसकी एनर्जी भी इसी ऑर्डर में आएगी क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी जितना ही ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी जितना ही ज़्यादा होगी उसकी वेबलेंथ उतनी ही कम होगी यानी कि अगर हम सबसे नीचे यहाँ पर देखें तो ये जो गामा किरण आप देख रहे हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इनसे भी और इसकी जो पावर होती है एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और गामा रेज क्या करती हैं वो स्टील की मोटी चादर को भी पार कर जाती है इतनी पावर होती है इसके अंदर एक्सरे वगैरह भी आपने देखा होगा इसका पेनिट्रेशन पावर गामा रे से थोड़ा कम होता है इसलिए हम इसका यूज एक्सरे वगैरह में करते हैं ठीक उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज अब इन सब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं रेडियो वेव्स इनकी तरंग दर्दी सबसे ज़्यादा होती है सबसे बड़ी होती है तो इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं रेडियो के ट्रांसमिशन में टीवी सिग्नल के ट्रांसमिशन में क्योंकि ये बहुत लंबी दूरी बहुत थोड़े से ही टाइम में तय कर सकती हैं ठीक तो रेडियो वेव का जो रेडियो में और टी के सिग्नल में यूज किया जाता है माइक्रोवेव्स आपने देखा होगा हीटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं इसी तरह से जो इन्फ्रा जो रेज है वो रिमोट वगैरह में इस्तेमाल की जाती है अल्ट्रा वायलेट रेज किस लिए यूज की जाती है ये बैक्टीरिया वायरस इन सबको किल कर देती है तो आप इसको क्या करते हैं चीज़ों को से दवाई बनाने के समय सैनिटाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए अल्ट्रावाइलेट रेज का यूज़ करते हैं एक्सरेज का यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है एक्सरे लेने के लिए किया जाता है और फिर गामा रेज का यूज़ क्या करते हैं गामा रेज बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं ये हमारे बॉडी को भी हमारी मतलब हड्डियों को भी पार कर सकती हैं इनकी इन इनका यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी वाले ऑपरेशन के लिए जैसे मेटल्स की कटिंग वगैरह है उसके लिए किया जाता है ठीक है सर तो आइए हम लोग नेक्स्ट इसके पॉइंट पे बढ़ते हैं इंद्रधनुष कैसे बनता है आइए देखते हैं ये बेसिकली हम लोग सिर्फ अप्लाइड पोर्शन पे ही जाएंगे इसके बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक पोर्शन के अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि साइंस के कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत आ, हो सकता है सबको उतनी आसानी ना हो समझने के लिए समझने में तो इसलिए बट ठीक है तो अभी जैसे कि आपने देखा कि डिस्पर्सन की वजह से लाइट क्या होती है अपने कंपोनेंट्स में टूट जाती है तो रेनबो बेसिकली दो तरह का बनता है एक को प्राइमरी रेनबो बोलते हैं एक को सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं तो प्राइमरी रेनबो या सेकेंडरी रेनबो बनने के लिए आप देख रहे होंगे कि एक एंगल दिख रहा है आपको 42 डिग्री एंड 52 डिग्री ठीक तो जब 40 और 42 डिग्री के बीच पे जब सन लाइट उस पर पड़ रही होती है बारिश की छोटी छोटी बूंदों के ऊपर तब जो रेनबो बनता है उसको प्राइमरी रेनबो बोलते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइमरी रेनबो के केस में प्राइमरी रेनबो में क्या हो रहा है कि प्राइमरी रेनबो के केस में आप देख रहे हैं कि लाइट जो सन से लाइट आ, आ रही है यहाँ से सनलाइट आ रही है देखिए सनलाइट इधर से आ रही है तो सनलाइट क्या होता है पहले जो पहली जो सबसे पहली घटना होती है वो क्या होती है इसमें कि जब बूंद की सतह से लाइट टकराती है तो क्या हो जाता है उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है यानी कि बूंद के अंदर वो रे मुड़ करके पहुँचती है ठीक अब लेकिन क्या होता है कि इस पॉइंट पर क्या घटना हो रही है ये क्रिटिकल एंगल पर टकरा रही है ठीक तो जब ये, ये जो प्रकाश की जो किरण है जब यहाँ से क्रिटिकल एंगल पे टकराएगी तो क्रिटिकल एंगल से टकराने पर क्या हो जाता है वो उसको पार नहीं कर पाएगी क्या होगा अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा उस लाइट का ठीक तो यहाँ पर इस तरह से एक बार रिफ्लेक्ट होगी और फिर जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो क्या होगा ये अपने अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगी जैसे कि आपने अभी प्रिज्म के केस में देखा ठीक तो प्रिज्म की तरह ही घटना होती है लेकिन एक बार ये इंटरनली पहले रिफ़्रैक्शन होता है यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ फिर यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ ठीक तो ये घटनाएँ हुई उसके बाद ये पैटर्न मिलेगा जैसा कि हमें रेनबो में मिलता है रेनबो में बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न मिला था तो प्राइमरी जो रेनबो होता है उसमें उसी तरह का कलर ब्रेक होता है जैसे कि आपने प्रिज्म के साथ में देखा था ठीक और इसके लिए एंगल क्या होता है लगभग 40 से 42 डिग्री के एंगल पे जब सन इस पे पड़ रहा होता है सन की लाइट तो प्राइमरी रेनबो बनता है और जो दूसरा कैज होता है कि जब लाइट 52 से लेकर के 54 डिग्री के बीच पर जब इस पानी की बूंद से वर्षा की बूंद से जब टकराती है तो देख रहे हैं क्या होता है कि इस तरह से एंगल बनता है कि ये क्रिटिकल एंगल थोड़ा बढ़ जाता है जब क्रिटिकल एंगल थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है तो ये पानी की बूंद अब दो बार उससे वापस लौट रही है ठीक तो जब पहली बार यहाँ से टूट लौट रही आप देख रहे हैं एक एक बार यहाँ ऊपर वाला देखिए कि एक रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन हो रहा है ठीक तो जब रिफ्लैक्शन होने के बाद जब दो बार रिफ्लेक्शन होता है तो दोबारा जब रिफ्लेक्ट हो रही होती है लाइट तो इसका पैटर्न क्या करती है उलट देती है तो जब ये पैटर्न उलट जाता है तो इस तरह से आप देख रहे हैं सेकेंडरी रेनबो के केस में क्या हो रहा है कि जो जो कलर्स हैं लाइट के वो बिल्कुल उलट गए हैं यानी कि सेकेंडरी रेनबो में वीव ग्योर उल्टे पैटर्न में मिलेगा यानी कि सबसे ऊपर वायलेट मिलेगा फिर इंडिगो फिर ब्लू इस तरह से करके मिलेगा जबकि प्राइमरी रेनबो में क्या होगा कि रेड सबसे ऊपर आएगा और वायलेट सबसे नीचे आएगा ठीक ये रेनबो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को ओके आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग अब स्कैटरिंग लाइट की स्कैटरिंग के बारे में देखते हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है और इससे कौन कौन सी घटनाएं हमारी डेली दे, लाइफ में होती हैं जिसका कि एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक तो आप जैसा कि देखते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे पर्यावरण से होकर के गुजरता है तो क्या होता है कि वायुमंडल में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमेशा तैरते रहते हैं ठीक तो लाइट उनसे टकरा करके कहीं ना कहीं से क्या होती है वो स्कैटर कर जाती है बिखर जाती है इसी को प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहते हैं ठीक तो इसके लिए रेले का नियम क्या कहता है प्रकीर्णन के लिए कि प्रकीर्णन की जो क्वांटिटी है प्रकीर्णन की जो मात्रा है यानी कि प्रकीर्णन कम होगा या ज़्यादा होगा या किस बात पर डिपेंड करेगा उसकी वेवलेंथ पे, लाइट की वेवलेंथ पर जैसा कि अभी हमने प्रिज्म के केस में भी बताया था ठीक तो किसी भी लाइट का जो स्कैटरिंग है वो उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा और उसकी वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ठीक फोर वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब कि वेवलेंथ जितनी ही ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी ठीक तो अब आप लोग बताइए कि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किस लाइट की होनी चाहिए सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है वायलेट लाइट की तो इसलिए जो वायलेट लाइट है वो क्या करती है सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग करती है और रेड लाइट की स्कैटरिंग सबसे कम होती है इसीलिए रेड लाइट ज़्यादा दूर तक जाती है और ब्लू लाइट ज़्यादा दूर तक नहीं जाती ये भी इसका एक कारण है ठीक है इसीलिए यही वजह इसी स्कैटरिंग के कारण से ही जो है हमें हम, हमारा जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है नीला दिखाई देता है और इसी घटना के कारण ही सुबह और शाम के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है अब आप पूछेंगे कि जब इसी घटना की वजह से नीला दिखाई देता है तो इसी घटना की वजह से सुबह और शाम को लाल क्यों दिखाई देता है तो इसका आंसर यह है कि जब लाइट की स्केटरिंग होती है दिन के समय में जब स्केटरिंग हो रही होती है तो सूर्य हमारे पास में होता है ठीक लेकिन सुबह और शाम के समय जो सूर्य की जो दूरी होती है वो हमसे काफ़ी दूर होता है तो दूर होता है तो उस दूर होने के केस में क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा प्रकाश पहुंचेगा जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है रेड लाइट की होती है ठीक तो रेड लाइट हमारे पास सबसे पहले पहुंचती है और हम सुबह और शाम के समय प्रकीर्णन तो उस समय भी हो रहा होता नीले रंग का लेकिन क्योंकि सूर्य दूर होता है तो हमारे आंख तक लाइट जो पहुंचती है वो रेड लाइट पहले पहुंचती है ब्लू लाइट नहीं पहुंच पाती है इस वजह से सुबह और शाम को हम जब प्रकाश वो देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है लाल और दिन के समय कैसा दिखाई देता है नीला तो ये तीनों ही घटनाएं प्रकाश के के कारण होती है आकाश का चाहे दिखना लाल हो चाहे नीला हो ठीक है देखिए नीला कलर क्यों होता आप समझ गए लाल कलर क्यों होता ये भी आप समझ गए ठीक बादलों का सफ़ेद कलर का दिखाई देना भी इसी वजह से होता है ठीक बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं क्योंकि जो बादल होते हैं बेसिकली इसमें बादलों बादल ये होमोजीनियस नहीं होते हैं ठीक इसके अंदर भी धूल के कण होते हैं बर्फ़ के कण होते हैं तो इसमें बड़े बड़े जो होते हैं तो बड़े कण होने की वजह से अब इसके दूसरी बात यह भी होती है कि उसमें जो बर्फ़ के कण होते हैं उनके अंदर हवा भी मद्यमान होती है तो ये क्या करते हैं यहाँ पर रेले का नियम अप्लाई नहीं होता है ठीक तो यहाँ पे सारे रंगों का प्रकीर्णन लगभग एक जैसा हो रहा होता है और सभी रंगों के प्रकीर्णन के एक समान होने की वजह से यह क्या बादल जो है हमें सफेद रंग का दिखाई देता है ठीक आइए देखते हैं दृष्टि दोष जो होता है कितने तरह के दोष होते हैं सर बताएं कमेंट करके जल्दी जल्दी सभी लोग प्रीति गुप्ता कितने तरह के डिफेक्ट होते हैं आई में देखिए अगर डिफेक्ट देखेंगे तो तीन तरह के डिफेक्ट बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं पहला डिफेक्ट है क्या होता है इसको नियर साइटेडनेस या मायोपिया कहा जाता है मेडिकल की भाषा में नियर साइटेडनेस या मायोपिया दूसरा होता है फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया और एक और दोष होता है जिसको हम क्या बोलते हैं एस्टिगमेटिज्म ठीक तो नियर साइटेडनेस में बेसिकली क्या होता है कि जो निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट देखने का दोष है यानी कि निकट की चीज़ तो दिखाई देती है दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती है यानी कि जो हमारे आँख की जो फोकल लेंथ है जो इमेज है जो वो क्या करती है शॉर्ट यानी कि फोकल लेंथ घट जाती है और वो इमेज पहले बनने लगती है तो पहले बनने के लिए क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे ये इसी को इसको हम क्या बोलते हैं मायोपिया ठीक निकट दृष्टि दोष नियर साइटेडनेस या मायोपिया एक ही बात है ठीक इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करेंगे आप ठीक कॉनकेव लेंस क्यों यूज करेंगे क्योंकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है निकट की चीज दिखाई देती है यानी कि निकट की चीज दिख रही यानी कि आप आपकी जो आंख है वो पहले उसकी फोकस कम हो गई है यानी कि पहले ही फोकस हो रही है इमेज पहले ही बन जा रही है आंख के रेटिना के पहले ही बन जा रही है ठीक तो जब दूर की चीज देखेंगे तो क्या होगा दिखेगी नहीं क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाएगा और पहले ही बनाएगा इमेज तो इस चीज को रेटिना पर फोकस करने के लिए आपको किस तरह का लेंस चाहिए ऐसा लेंस चाहिए कि जो किरणों को डाइवर्ज करता हो दूर फेंकता हो तो कन्केव लेंस क्या करता है लाइट की किरण को दूर फेंकता है और उसको डिस्टेंस में फेंकता है जिससे कि वो पहले ना कन्वर्ट होकर थोड़ी दूर पे जाके कन्वर्ज होएगी और जो ये जो मायोपिया की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी इसी तरह से जो फार साइटेडनेस फार साइटेडनेस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में या मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया हाइपर मेट्रोपिया ठीक या दूरदृष्टि दोष कहा जाता है ठीक तो दूर दृष्टि में क्या होता है कि दूर दृष्टि में दोष में हमें दूर की चीज़ दिखाई देती है पास की चीज़ नहीं दिखाई देती है यानी कि इसमें हमारी फोकल लेंथ बढ़ जाती है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है तो उसको घटाने का यानी कि हमें कन्वर्ज करने वाला लेंस चाहिए उसको कॉन्सनट्रेट करने वाला लेंस चाहिए तो कॉन्सनट्रेट करने वाला लेंस कौन सा लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस ठीक उत्तल लेंस हो जिसको हम बोलते हैं और इसको बोलते हैं अवतल लेंस ठीक ये होता है उत्तर लेंस और ये होता है अवतल लेंस तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए अवतल लेंस यूज किया जाता है या नियर साइटेडनेस को यूज करेक्ट करने के लिए फार साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और जो भेंगापन होता है एस्टिग्मेटिज्म जो होता है उसके लिए जो करेक्ट करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं ठीक इस सिलेंड्रिकल लेंस में दोनों ही तरह के फीचर्स होते हैं ठीक हिंदी में बेलना लेंस कहा जाता है इसको ठीक तो ये मोटा मोटा है जो आपके उससे कॉन्सेप्ट था कि हम लोगों ने देखा कि डिस्पर्सन क्या होता है स्पेक्ट्रम के बारे में देखा हमने दृष्टिदोष के बारे में देखा रिफ्लेक्शन मिरर का यूज क्या होता है इसके बारे में देखा ठीक अब हम लोगों ने कितना समझा है इसको जानने के लिए हम लोग आइए चलते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर अब हम लोग क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने कितना समझा और वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर वन सभी लोग कहाँ गए भाई जल्दी से आइए क्वेश्चन नंबर वन डिफिकल्ट क्वेश्चन है सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी अपना आंसर दीजिए क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉस्मिक किरणों के बारे में सही नहीं है ठीक पहला ऑप्शन है कि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है दूसरा ऑप्शन है इनकी तरंग दर्द बहुत ज़्यादा होती है तीसरा ऑप्शन है ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान कणों से बने होते हैं और चौथा ऑप्शन है ये इनकी जो उत्पत्ति है वो सूर्य से होती है आपको बताना है कि ये इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है ठीक तो जैसा कि अभी हमने जो आपको स्पेक्ट्रम दिखाया था वहाँ से इस चीज़ को हमने छुपा लिया था ठीक और उसमें जो छुपाया था वो ये कि ये गामा किरणों के नीचे इनका प्लेस आता है कॉस्मिक रेस जिनको हम बोलते हैं यानी कि जो इनकी एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है ठीक लेकिन ये जैसा कि आपने देखा कि जो लाइट है वो लाइट क्या देखो इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये बहुत ही अगर हम इसको समझेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ठीक कि प्रकाश क्या है प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विद्युत चुंबकीय तरंग है जबकि ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि ये अत्यधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बने होते हैं ठीक तो इसलिए क्या होगा कि इसका आंसर सी बहुत सिंपल सा बाकी जो कॉस्मिक रेज कोई जो भी है वो सूर्य से आती है निकल के बिल्कुल सही बात है और ये इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी तरंग दर्द बहुत कम होती है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ पर्सन सफरिंग फॉर हाइपरमेट्रोपिया बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पहला ऑप्शन है व्यक्ति दूर की वस्तुओं को दो एक देख सकता है यह सही है कि नहीं दूसरा ऑप्शन लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तीसरा ऑप्शन है निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है चौथा ऑप्शन है कि इस दोष को ठीक करने के लिए ऑथर लेंस का उपयोग किया जाता है आपको बताना है कि सही नहीं है हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि आदमी साइटेड साइटेडनेस बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया को आदमी दूर की चीज़ों को देख लेता है सही बात है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है इसी वजह से दूर की चीज़ देख पाता है ये भी सही बात है निकट की वस्तु का नहीं देख पाता है क्योंकि रेटिना के पीछे बनता है यह भी सही बात है ठीक एक अनवे इसको सही करने के लिए ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है देखते हैं कौन सा आंसर सही है इसका देखिये हाइपर मेट्रो मेट्रोपिया को कन, सही करने के लिए क्या करते हैं कनकेव लेंस यूज करते हैं आइए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीन क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा हाइपर मेट्रोपिया एक ऐसा दोष है जिसमें क्या होता है पहला ऑप्शन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता दूसरा ऑप्शन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता तीसरा स्टेटमेंट है कि आँख का जो निकट बिंदु है वो सामान्य स्थिति से दूर चला जाता है और चौथा पॉइंट है कि जो दूर बिंदु है वो आकाश वो आँख के पास चला आता है तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है दृष्टि दोष में कि दूर की वस्तुओं को तो देख सकता है यानी कि पहला वाला तो नहीं होगा ठीक निकट की दूर दूरदृष्टि दोष में क्या होगा कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता ठीक है तीसरा पॉइंट क्या है कि आँख का जो निकट बिंदु है वो सामान्य स्थिति से दूर चला जाता है और चौथा ऑप्शन है कि पास चला आता है ठीक है ये देखते हैं इसका क्या आंसर है टू एंड थ्री ठीक यानी कि आपको पता है कि हाई पास दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की चीज़ तो दिखती है यानी कि पास की चीज़ नहीं दिखाई देती यानी कि ये दूसरा वाला सही है ठीक और क्या होता है कि जो आँख का जो निकट बिंदु है वो सामान्य स्थिति से दूर चला जाता है इसीलिए क्या होता है कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है ठीक इसलिए इसका क्या आंसर होगा टू एंड थ्री आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार एंडोस्कोप अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एंडोस्कोप के बारे में एंडोस्कोप इज यूज्ड बाय अ फिजिशियन टू व्यू द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंडोस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है जल्दी से बताइए लव शर्मा क्या आंसर होगा इसका प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का विक्षेपण जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या होगा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ होता है मरीचिका में होता है ऑप्टिकल फाइबर में होता है और कहाँ होता है इसमें भी होता है एंडोस्कोप में भी इसी का यूज किया जाता है ठीक है सर तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है कि रेनबो का जो बनना है रेनबो का जो निर्माण है इंद्रधनुष का जो निर्माण है वो किसके कारण होता है आप लोगों ने देखा वहाँ पे दो घटनाएं एक साथ हो रही होती हैं तो इसमें आपको बताना है कि रेनबो जब बनता है उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित है? होती हैं ठीक बताइए पहला ऑप्शन क्या है इसमें रिफ्रैक्शन एंड अब्जॉर्प्शन होगा या नहीं होगा दूसरा ऑप्शन क्या है डिस्पर्सन एंड डिफ्रैक्शन होगा या नहीं तीसरा ऑप्शन क्या है रिफ्रैक्शन एंड स्केटरिंग चौथा ऑप्शन क्या है डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें से कौन सी दो घटनाएं इन्वॉल्व हैं शामिल है, हैं इंद्रधनुष के बनने में नहीं, इसका आंसर देखिए कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं जल्दी से जल्दी जल्दी अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में प्लीज देखिए हम लोगों ने देखा था तीन स्टेप थे वहां पर ठीक हम लोगों ने जब रेनबो के बारे में पढ़ा तो वहां पे तीन स्टेप थे पहला स्टेप क्या था कि जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंद के ऊपर पड़ता है तो क्या होता है कि वो पहले तो उसका रिफ्रैक्शन होता है यानी कि पानी की बूंद के अंदर जाता है ठीक उसके बाद वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाता है यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है तो अगर प्राइमरी है तो एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और सेकेंडरी रेनबो है तो दो बार पूर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और जब वहाँ से बाहर निकलता है प्रकाश तो क्या हो जाता है उसका विक्षेपण हो जाता है तो इसमें हमने रिफ्रैक्शन वाला ऑप्शन हटा दिया है यानी कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा इसका डी आंसर सही होगा सर ठीक तो जितने लोगों ने डी आंसर दिया उतने लोगों का इसमें जवाब बिल्कुल सही है यानी कि इसमें देखिए रिफ्रैक्शन होता है पहले फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके बाद क्या होता है विक्षेपण होता है डिस्पर्शन होता है तो ये चीज़ बनती है यहाँ पर आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें से सही ऑप्शन चुनिए तो ये दो स्टेटमेंट दे रहे हैं एक स्टेटमेंट है दूसरा उसका कारण है तो आपको ये बताना है जो कारण है वो कथन का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है या दोनों अलग अलग सही और गलत है तो कथन क्या कह रहा है कि जो हीरा है हीरे के आकार में अगर कांच की हम कांच की सेप में अगर हम कोई हीरा बना दें कांच से हीरा बना दें तो तब भी जो हीरा है वो ज़्यादा चमकेगा ठीक इसका कारण बता रहे हैं ये कारण क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का वो कांच से कम होता है क्या ये सही है ये आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या होगा देखिए इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान है बहुत ही जल्दी से आप आंसर इसका दे पाएंगे ठीक कि जो हीरे का जो अपवर्तनांक है वो कांच से कम होता है या ज्यादा हीरे का जो अपवर्तनांक है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो टू पॉइंट फाइव के आसपास होता है जबकि कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वन पॉइंट फाइव के आसपास होता है तो ये वाला जो रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ही गलत लिखा हुआ है ठीक तो इसलिए इसका केवल एसरसन वाला स्टेटमेंट सही है और आर वाला जो ऑप्शन है यानी कि रीजन जो है वो गलत दिया गया है इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सी ठीक तो जितने लोगों ने सी आंसर दिया था उतने लोगों का आंसर सही है अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है कि आप इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट पे विचार कीजिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एक पर्सन क्या कर रहा है अगर एक, एक बाल्टी भरी हुई है पानी से उसमें एक सिक्का डला हुआ है ठीक एक व्यक्ति उस पानी से भरी बाल्टी में जब सिक्के को देखता है तो जो सिक्के की वास्तविक स्थिति की तुलना में वह उससे ऊपर दिखाई देता है दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है कि अब वो बोल रहे हैं कि यदि आदमी पानी के नीचे है और वो पानी के अंदर से बाहर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देगा ये आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। जल्दी से आंसर दीजिए प्लीज जल्दी जल्दी आंसर दो देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है इसमें आकाश पटेल माय आंसर इज करेक्ट आंसर वेरी गुड फोकस करिए पढ़ाई पे क्या आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर सेवन का देखिए क्या होता है कि जैसे कि अभी आपने देखा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है वो अभिलंब की ओर झुक जाता है तो कभी भी ऐसा होगा जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में चीजों को देखेंगे तो वो हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा जैसे कि पानी का अगर कोई पूल है वाटर का कोई पूल है जब हम उसको देखते हैं तो उसकी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है और जब आप पानी के अंदर जाके बाहर देखेंगे पानी के अंदर से तो इसका उल्टा होगा ठीक और इसीलिए पे जो दिए गए दोनों स्टेटमेंट हैं वो सही हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि पानी अगर हम बाहर से पानी के अंदर देखेंगे तो सिक्का ऊपर दिखाई देगा बिल्कुल सही बात है और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर हम पानी के नीचे से हम हवा में देखेंगे तो सिक्का ज्यादा ऊंचाई पर देखे दिखाई देगा यह भी बिल्कुल सही बात है इसलिए यहां पर इसका आंसर क्या होना चाहिए ए ठीक तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये दिया उन्हीं का आंसर सही है ठीक आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट क्या है कंसिडर द फॉलोइंग नेचुरल फेनोमल निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं पर विचार कीजिए ठीक पहला ऑप्शन है ये देखिए ये किससे रिलेटेड है ये मिरेज मरीचिका से रिलेटेड हमने बोला था कि अभी हम मरीचिका के बारे में आगे डिस्कस करेंगे ठीक हमने तो वहाँ पे बता दिया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है लेकिन वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जैसे कि आपने देखा है कि इंद्रधनुष में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ साथ क्या होता है वहाँ पे रिफ्रैक्शन भी होता है रिफ्लेक्शन भी होता है डिस्पर्सन भी होता है इसी तरह से यहाँ पर भी जब मरीचिका बन रही होती है तब तो वहाँ पूर्ण पूर्णांतरिक परावर्तन के साथ और भी चीज़ें होती हैं ठीक तो देखते हैं कि किन लोगों को इसके बारे में सही से जानकारी है ठीक तो बोल रहे हैं कि ये चार स्टेप दिए गए हैं इन चार स्टेप में से कौन कौन सी ऐसे स्टेप हैं जो मरीचिका बनने में होते हैं तो एक बोल रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल हीटिंग होती है दूसरा ऑप्शन बोल रहे हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तीसरा ऑप्शन बोल रहे हैं कि लाइट का रिफ्रेक्शन होता है और चौथा ऑप्शन बोल रहे हैं कि लाइट का डिफ्रैक्शन होता है विक्षेपण होता है तो देखिए विक्षेपण तो तब होता है क्योंकि हमें इसमें कोई इसके कलर तो ब्रेक होकर के दिखाई नहीं देते मरीचिका में कभी ठीक तो जब मरीचिका में कलर ब्रेक होकर के नहीं आते है, इसका मतलब ये जो डिफ्रेक्शन वाली जो घटना है ये नहीं होगी तो इसमें देखिए एक जो पहला ऑप्शन है टेरेस्ट्रियल हीटिंग जो स्थलीय जो तापन की घटना है रेगिस्तान में क्या होता है कि दिन के समय में जब गर्मी पड़ रही होती है मई जून के महीने में तो वो निचली सतह इतनी गर्म हो जाती है कि वहाँ की हल्की हवा होकर के ऊपर उठ जाती है ठीक तो वो इस जो हवा जो वहाँ पे रेगिस्तान में उस समय जो हवा होती है वो एक अलग अलग लेयर्स के रूप में बिहेव करती है ठीक तो वो प्रकाश क्या होता है जब सबसे नीचे से टकरा करके जो रिफ्लेक्ट होने वाला होता है तो वो अलग अलग लेयर से रिफ्रैक्ट होते हुए वो आगे बढ़ता है तो और वो उसी माध्यम में क्या होता है वापस लौट आता है और हमें वो सतह चमकती हुई दिखाई देती है ठीक तो स्थलीय तापन अगर नहीं होगा तो लेयर क्या होगी वहाँ पे बनेगी ही नहीं ठीक तो इसलिए जिसमें एक वाला पहला वाला जो पॉइंट है वो है वही आंसर सही हो सकता है यानी कि इसमें या तो ए सही होगा या सी सही होगा ठीक है सर अब क्या होगा कि जो